आदित्य के आने से फैली जादुई कमरे में खुशी, लेकिन जब आदित्य ने कोशिश की एक सुरक्षा कवच बनने की तो मालूम पड़ा कि आदित्य अपनी शक्तियाँ खो चुका है। ये सुरक्षा कवच क्यों नहीं बन रहा? जादुई लोक में गुरुकाल के किए वार ने मेरे शरीर को तो चोट नहीं पहुंचा, पर मेरी मायावी शक्तियों को नष्ट कर। हरिसेन पे हमला हुआ नागिन का, अभी ने नागिन को भगाया। आदित्य, सूरजपुर के सिंहासन का कोई उत्तराधिकारी नहीं है और ना ही मेरी कोई संतान सूरजपुर के सिंहासन को और सूरजपुर की प्रजा को एक राजा की आवश्यकता। तुम ही सूरजपुर के सिंहासन के उत्तराधिकारी हो। मैं वचन देता हूं आपको महाराज, जब तक मेरी सांसें चलेगी सूरजपुर की रक्षा करूंगा। ये रुद्र कौन है? बच्चों को मालूम पड़ा कि रुद्र क्या है और क्यों उन्हें रुद्र के रक्षक कहा गया है। क्योंकि शिवलिंग में अब अमृत था, इसलिए भगवान शिव ने उसकी रक्षा काली शक्तियों से करने के लिए 7 दरवाजों वाला खजाना बनाया। सोना चांदी हीरे जवरात, इसके अपार खजाने को ही कुबेर का खजाना कहते हैं। और खजाने के बाद है रुद्र का आसन, जहां है रुद्र। ऐसा इसलिए ताकि रुद्र को पाने की लालच में वहां तक पहुंचने वाले हर व्यक्ति खजाने की चकाचौंध में ही खो जाए। अब आगे, अब उसे खजाने की चाबी हमारे पास है, यही रुद्र तक पहुंचने का एक रास्ता है। पर रुद्र कभी भी काली शक्तियों तक नहीं पहुंचने चाहिए, यदि ऐसा हुआ तो वो अमर हो जाएंगे। और फिर ये संसार तो क्या, तीनों लोकों में उनका ही राज होगा। अब रुद्र के रक्षा की जिम्मेदारी तुम्हारी है, इसलिए तुम तीनों हो रुद्र के रक्षक। सिर्फ हम ही तीनों क्यों चुने गए रुद्र के रक्षक के लिए, कोई और क्यों नहीं? क्योंकि नियति ने ऐसा लिख दिया है बेटा, तुम्हारा जन्म ही इसलिए हुआ है। और सारे माया भी ये जानते हैं कि गुरुकाल का अंत तुम्हारे हाथों ही लिखा है, इसलिए तुमने इतनी कम उम्र में इतनी सारी शक्तियां पाली। माया और विष्णु तुम्हारे साथ रहकर त्रिशक्ति बनते हैं, जैसे शिव का त्रिशूल जो अपने दुश्मन को खत्म कर देता है। और जब ज्ञान पांडे ने तुम्हें शक्तियां देने से पहले पूछा तो तुमने माया और विष्णु को अपना साथीदार चुना, तो अब इनकी नियति भी यही है। अब तुम लोग समझे रुद्र की रक्षा के लिए तुम तीनों का एक साथ होना कितना जरूरी है। मैं प्रण लेता हूं कुबेर के खजाने की चाबी अभी और आदित्य से मैं हासिल करके ही रहूंगा। जब ये चाबी मेरे कब्जे में होगी तो रुद्र का मालिक मैं ही रहूंगा, कोई हमारा सामना नहीं कर पाएगा और तीनों लोक में हमारी शक्तियों का राज होगा। भूलो मत गुरुकाल, रुद्र पर पहला अधिकार हमारा है, उसे पाने में कोई कसर मत छोड़ना, इसे चेतावनी समझो। तुम्हारे पास समय बहुत कम है और अगर जल्द ही तुम रुद्र हासिल ना कर पाए तो दंड में तुम्हें मौत मिलेगी। फिर कोई और बनेगा काली शक्तियों का सेनापति जो तीनों लोकों में काला साम्राज्य स्थापित करेगा। अगर गुरुकाल का आउ हो गया तो शकुर शकुर बनेगा सेनापति। आउ ये हुई ना अंटे के बंटे पे संटे वाली बात। मुंबासा। अब तुम समझे अभी इस चाबी को सुरक्षित रखना संसार के सुरक्षा के लिए कितना आवश्यक है। इसे सबसे ज्यादा सुरक्षित तुम अपने अंदर रख। मतलब अभी को चाबी निकलनी पड़ेगी? नहीं, ऐसा करने का गुप्त मंत्र है जो अभी को मालूम है। क्यों अभी? We'll be right back.
मुझे चाबी, कर दो मायावी चाबी मेरे हवाले, तब शायद सबकी जान बख्श दूं। हम तुम्हारी किसी छलावे में नहीं आने वाले गुरुकाल, अब हमें सारी सच्चाई पता चल चुकी है। हम तुम्हें मायावी चाबी कभी नहीं देंगे, वो तुम्हें कभी नहीं मिलेगी। चाबी के सपने देखना बंद कर दे गुरुकाल, तू कुछ भी कर ले, मैं और ये रुद्र के रक्षक तेरे सामने हमेशा चुनौती बन के खड़े होंगे। तो सुन लो सब, ये जो सूरज पर काले बादल देख रहे हो ना, जब मेरी विनाश लीला देखोगे तो खुद रेंगते हुए मेरे पास आओगे चाबी देने। चाबी हर हाल में मेरी होकर रहेगी, हर हाल में। ये तो गुरुकाल था ना, ये आप सबसे क्या कह रहा था, क्या चल रहा था यहाँ आदित्य, आप इन बच्चों को क्या बता रहे थे? भाई रुक्मिणी, जिसकी इन्हें जानकारी होनी चाहिए थी। भाग्य ने इनके जीवन में जो लिख दिया है मैं वही बता रहा हूँ। क्या नहीं आदित्य, आप इन बच्चों को इस युद्ध में शामिल करना चाहते हैं, मैं इन्हें अपने जीवन का बलिदान देने नहीं दूं। और आदित्य, आप तो जानते हैं कि जादुई लोक में जाना अभी के लिए कितना खतरनाक है। मैं सब जानता हूं रुक्मिणी, पर विधि का विधान कोई नहीं टाल सकता। इन बच्चों के लिए नियति ने रुद्र का रक्षक होना चुना है, और बात सिर्फ सूरजपुर की नहीं है, बात सारे संसार की सुरक्षा की है। पर आदित्य, मेरा संसार तो मेरा बच्चा है, मेरा अभी और ये बच्चे हैं, इनकी सुरक्षा मेरा धर्म है, मेरा कर्तव्य है। मैं खुद लड़ने को तैयार, अपना जीवन समर्पित करने को तैयार, पर मैं इन बच्चों को इस खतरनाक खेल में शामिल नहीं होने दूंगी। ये कोई खेल नहीं है रुक्मिणी। जो भी बात, पर आज सुन लो, इस अच्छाई और बुराई की लड़ाई में ये बच्चे शामिल नहीं होंगे, कहीं नहीं जाएंगे ये बच्चे। एक माँ के लिए अपने बच्चों की सलामती से बड़ा कुछ भी नहीं होता, लेकिन तुम सब आज जान गए हो, तुम्हें ही रुद्र की रक्षा करनी है। आज से तुम्हारा मकसद साफ है, काली शक्तियों से लड़ना और सूरजपुर की रक्षा करना। शैतानी कीड़ा, मैं कालों का काल गुरु काल तुम्हारा आह्वान करता हूं। शैतानी कीड़ा, मैंने जो कार्य तुम्हें सौंपा था क्या हुआ उसका? जी हाँ गुरुकाल, जो कार्य आपने मुझे दिया था वो पूर्ण हो गया। ले लीजिए गुरुकाल, ये क्या है, इसे खोलिए और स्वयं अपनी आंखों से देख लीजिए। ये सबका क्या मतलब है? आप इसे खोलिए तो सही। गुरुकाल, ये डिब्बा अब इंसानों के बीच जाकर ही खुलेगा। उन कीड़ों के काटने से उसका जहर का असर इंसानों के बीच में होने लगेगा।
और उस जहर के असर से इंसान एक दूसरे को मारने लगेंगे, एक दूसरे के खून के प्यासे हो जाएंगे गुरुकाल। बहुत खूब शैतानी किरे, बहुत खूब। सूरजपुर के लोग एक दूसरे की गर्दन मरोड़ने के लिए उतारू हो जाएंगे, पूरा शहर खून खराबे में डूब जाएगा। तो बचाने के लिए सिर्फ एक तरीका होगा, एक तरीका, एक सौदा। चाबी दे जाओ, सूरजपुर बचा लो। जी हाँ गुरुकाल, जी हाँ। गुरुकाल वेरी हैप्पी, वेरी हैप्पी। मुंबस्ता स्कूल का पहला दिन है, हमें आशीर्वाद दीजिए। चुप चुप जियो मेरे बेटी, चुप चुप जियो। मेरा आशीर्वाद तो तुम्हारे साथ हमेशा है, सबकी मनोकामना पूरी हो। बच्चों चलो, वरना स्कूल को देर हो जाएगी। दादी हम जाएं। जा बेटे जा। दादी हम जाएं। जाओ। ओफो दादी, अब वाकई में बहुत भुलक करो। ए झूठा कहीं का, मैं ऐसे कोई भुलक्कड़ उलक्कड़ नहीं हूँ। मैं दादी हूँ, मैं सब जानती हूँ। अब मुझे याद है कि तू विशु है और तूने मुझसे नया जूता मंगवाया था। मैं ऊपर लाई। ये रहा तुम्हारा तोहफा। देखो देखो खोल के देखो, कितने सुंदर है ना? ये तो एकदम घुघलिया आइडिया निकला बॉस। दादी मैं विशु नहीं हूँ, और ये जूते इतने बड़े कि मैं पूरे इनमें घुस सकती हूँ। और ये जूते तो विशु ने मंगवाए थे ना? अरे रे रे, ऐसा क्या? हाँ दादी ऐसा ही है, लेकिन कोई बात नहीं, तेरा गिफ्ट तो सही है माया। ये ले खोल के देख ले। देख देख विशु, जल्दी खोलना यार, खोल खोल जल्दी। लिपस्टिक, ये क्या है? पता नहीं, पागलों जैसा। नेल पॉलिश है। और ये ग्लिटर, विशु नेल पॉलिश लिपस्टिक। फिर गड़बड़ हो गई। गड़बड़ नहीं दादी, बहुत बड़ी गड़बड़। पर आप टेंशन मत लो, असली माया का तो काम हो गया। और तेरा? कोई बात नहीं दादी, मैं अपना गिफ्ट बाद में ले लूंगा। अरे नहीं नहीं, तेरी दादी इतनी भुलक्कड़ भी नहीं है कि अपने पोते का गिफ्ट भूल जाए। ये ले, इसे संभाल के रखना। हाँ, ये कभी गड़बड़ नहीं करेगा, बल्कि जो इसे मांगेगा तुझे मिलेगा। बच्चों चलो, देर हो रही है। चलो जाओ जाओ, संभाल के बच्चा। और कंचा ये जूते तुम्हारे लिए। जी मालकिन। चले गए। ओए कबूतर, आज स्कूल का फर्स्ट डे, तो चल मुकाबला कर दे। हम दोनों में से स्कूल पहले कौन पहुंचता है देखना क्या। मैं साइकिल से जाऊंगा और तुम दोनों पैदल, पहले तो मैं ही पहुंचूंगा। यहीं तो तू मात खा गया कबूतर, पहले तो मैं ही पहुंचूंगा, क्योंकि मैं और माया कार में स्कूल जा रहे हैं। पर ये तो चीटिंग हुई ना बॉस। पर ये तो गलत बात है ना, कार और साइकिल के बीच क्या मुकाबला? हाँ वो कबूतर, मैंने तो सिर्फ यही रेस लगाई कि हम दोनों में से पहले स्कूल कौन पहुंचता है। कैसे पहुंचेंगे ये तो मैंने नहीं कहा था ना। और वैसे भी विशु से रफ्तार में मुकाबला करना बेवकूफी है, बिकॉज आई लव स्पीड। आओ आओ, अब यहां शुरू होगा अंटे पे बंटे का तंटा। पहले लड़ाई यहां शुरू होगी, फिर स्कूल,
फिर चौक चौराहा, हर जगह होगा घमासान, घमासान। अब देखते हैं किस में कितना है दम। गंजम गगा। गुस्सा क्यों होती हो? नाराज मत हो। देखो तुम अगर गुस्सा होगी ना तो मेरा दिल मुरझा जाएगा। हमला ही करना है ना, मैं बताता हूं ना। ये देखो, देखो। आओ, अब तो मुस्कुरा दो। इतनी आसानी से नहीं जीतने दे सकता, पर मैं अपनी साइकिल चला के विशु से पहले कैसे पहुंचूं? याद आया, मैं तो डरी का रही हुआ तोहफा भूल ही गया था। मेरी इच्छा है कि मैं विशु से पहले पहुंच जाऊं और उनकी कार को अपनी साइकिल से हरा दूं। देखा कैसे कैसे लड़ रहे बच्चे। क्या मेरी आओ, अभी तक गुस्सा, अब गुस्सा थूक भी दो। अरे मेरी आओ, इसी को तो प्यार कहते हैं, प्यार। क्या तुम ना अपनी बकवास बंद करो और मुझ पर नहीं वहां उन पर ध्यान दो। देखो देखो किस तरह से कीड़े अपने असर दिखा रही है।
यहाँ का तो हो गया काम तमाम, अब लड़ने दो बच्चों को, चलो दूसरी जगह अटैक करते हैं। चलो मनीषा सतीश से पक्के दोस्त भी लड़ रहे हैं, पता नहीं क्यों। हाँ ऋतिका और पूजा वो कितने अच्छे दोस्त हैं, वो भी लड़ रहे हैं।